everyone, welcome back to our channel Rasayan. In the last video of alkaloids, we had discussed about the structure determination of tropine. Now in this video, we are going to start the synthesis of tropine as well as preparation of atropine as well as stereochemistry of atropine. So the first topic of this video is synthesis of tropine. So if we talk about the synthesis of tropine, so first the synthesis of tropine was given by Will Stater using सबरोन as starting material. What is सबरोन? सबरोन है वो क्या होता है? तो सबरोन की यदि हम बात करें तो क्या होता है? अपना साइक्लोहेप्टेनॉन ही होता है. साइक्लोहेप्टेनॉन is also known as सबरोन. तो सबरोन का यूज करके, साइक्लोहेप्टेनॉन का यूज करके एज अ स्टार्टिंग मटेरियल विल स्टेटर ने फर्स्ट सिंथेसिस जो प्रपोज किया था फॉर ट्रॉपिंग. ठीक है, ये हमें करना है सबसे पहले चीज. तो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होने वाला है इस वाले वीडियो का? फर्स्ट पॉइंट इज दैट फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ ट्रॉपिन इज प्रपोज बाय विल स्टेटर यूजिंग सबरोन एज स्टार्टिंग मटेरियल using सबरोन as the starting material. Okay, सबरोन साइक्लोहेप्टेनॉन is also known as सबरोन. Clear है? साइक्लोहेप्टेनॉन उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? सबरोन बोल रहे होते हैं. तो इफ वी मूव ऑन द सिंथेसिस मैकेनिज्म, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना क्या है? साइक्लोहेप्टेनॉन की रिंग लेनी है. साइक्लोहेप्टेन रिंग लेनी है. सिक्स मेंबर्ड कार्बन स्केलेटन होता है. ये चीज सिक्स मेंबर साइक्लिक रिंग होती है. ये चीज हम इससे प्रीवियस वीडियो में व्हेन वी हैड डन अबाउट द स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन क्लियर किया था ये कि सेवन मेंबर रिंग है वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, नॉट सिक्स मेंबर, सेवन मेंबर रिंग है वो प्रेजेंट होती है जो कि आपकी कार्बन की रिंग होती है, होमोसाइक्लिक रिंग होती है. ठीक है, अब सेवन मेंबर रिंग पे हमने क्या लगाया? कीटोनिक ग्रुप लगाया है. सो दिस इज साइक्लोहेप्टेनॉन और सबरोन. ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? सबरोन बोल रहे होते हैं. अब सबरोन का हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबरोन का हमें करना होता है रिडक्शन. ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू रिड्यूस द सबरोन. सबरोन का रिडक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट किसमें होगा? 2° अल्कोहल में कन्वर्ट होगा. ठीक है, यहां से ये किसमें कन्वर्ट होने वाला है? 2° अल्कोहल में कन्वर्ट होने वाला है. 2° अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या बनता है? आपका साइक्लोहेप्टेनॉल बन जाता है. ठीक है, ये क्या बनेगा? साइक्लोहेप्टेनॉल की फॉर्मेशन होगी. साइक्लोहेप्टेनॉल की जो रिएक्शन है वो हम किसके साथ में कराते हैं? एच आई के साथ में रिएक्शन कराएंगे. सो दैट यहां से कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहां से -H2O हो जाएगा एंड आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ H2O आयोडीन है वो यहाँ पे आके एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा. ठीक है, रिंग है उस पर कोई चेंज नहीं आना. रिंग पे कहां चेंज आएगा वो चीज भी मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो यहां से क्या बना? ये था साइक्लोहेप्टेनॉल, ये क्या बना? साइक्लोहेप्टेन आयोडाइड बन गया. ठीक है, यहां से क्या बन गया? साइक्लोहेप्टेन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई. नाउ ये जो साइक्लोहेप्टेन आयोडाइड बना है इसका हमें क्या कराना होता है? इसकी हमें रिएक्शन करानी है विद एल्कोहोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, रिएक्शन है वो किसके साथ में करानी है? विद एल्कोहोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है. एल्कोहोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर वो क्या होता है? देखिए, एक हम यूज कर रहे होते हैं एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. मैंने बहुत बार बताई होती है ये चीजें जिस दिन आपको याद रहने लग जाएंगे केमिस्ट्री विल बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, एक तो होता है एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकंड वन इज एल्कोहोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. दोनों का फंक्शन क्या होता है? एल्कोहोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डस एलिमिनेशन रिएक्शन एंड एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, चीज समझ आ रही है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया बट एक्वस लोगे तो सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड करेगा और एल्कोहोलिक लोगे तो एलिमिनेशन प्रोसीड करेगा. यहाँ पे हमने एल्कोहोलिक यूज किया तो ये क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा एंड एलिमिनेशन रिएक्शन में यहां से क्या होना है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर होगी. यदि एलिमिनेशन कर रहा है तो कौन सी होगी? बेसिक नेचर होगी तो यहां से ये वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर, सॉरी इस वाले हाइड्रोजन को यहां से एलिमिनेट करेगा तो माइनस कौन होगा? H2O होगा एंड साथ में कौन होगा? माइनस क्या होगा? Ki होगा. ठीक है, -H2O -Ki होने के बाद में यहां से क्या बनेगा? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है. ये समझ आ गई? यहाँ पे साइक्लोहेप्टेन की फॉर्मेशन होगी. इस बार जो कंपाउंड बना है दिस इज साइक्लोहेप्टेन. साइक्लोहेप्टेन का क्या कराना है हमें? ब्रोमिनेशन रिएक्शन करानी है. देयर इज एडिशन रिएक्शन.
साइक्लोहेप्टेन का क्या कराना है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन करानी है। ब्रोमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो 1,2 डायब्रोमो साइक्लोहेप्टेन की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। साइक्लोहेप्टेन विल गिव 1,2 डायब्रोमो साइक्लोहेप्टेन ऑन ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ये समझ आ रही है। तो यहाँ से ये आया ब्रोमिन एंड इधर से भी कौन आता है, ब्रोमिन आता है। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, यहाँ से 1,2 डायब्रोमो साइक्लोहेप्टेन की फॉर्मेशन हो गई। नाउ यहाँ से जो 1,2 डायब्रोमो साइक्लोहेप्टेन बना है इसकी रिएक्शन है वो हमें करानी होती है विद NHME2, विद NHME2, NHME2 के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां से दो प्रोसेस होती हैं एक साथ में। कौन कौन सी प्रोसेस होती है, पहले तो यहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होती है, एंड सेकंड जो प्रोसेस होती है यहां पे वो कौन सी होती है, वो यहां से होती है एलिमिनेशन प्रोसेस। दो प्रोसेसेस हो रही हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। सेकंड है वो कौन सा होगा, यहां से सेकंड प्रोसेस है वो यहां से होने वाला होता है अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट प्रोसेस का जो रिजल्ट है यहां से वो कुछ इस टाइप का ऑब्टेन होगा। 7 मेंबर रिंग है वो तो हमारी रहती है एज इट इज ही। फर्स्ट प्रोसेस में एक जो ब्रोमीन है उसका हम किससे करा देते हैं, सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं, किससे, NME2 से। हाइड्रोजन वो तो चला जाएगा, यहां से क्या जाएगा -HBr होगा। दूसरा क्या करा रहे हैं, एलिमिनेशन करा रहे हैं। तो ये वाला ब्रोमीन है और यहां से कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, एक और HBr जाएगा, देन यहां से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो इस टाइप से यहां से सब्स्टिट्यूशन प्लस में एलिमिनेशन दोनों रिएक्शन एक साथ में होती है, दोनों रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो यहां से कुछ इस टाइप का होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो हमें क्या करना होता है, तो नेक्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है देखिए वो कुछ इस टाइप से होगा। यहां से नेक्स्ट स्टेप में यहां से क्या होगा, देखिए हमने यहां से जो पहले क्या करा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा है, सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहां से जो प्रोडक्ट बना है इसमें क्या है, NME2 का ट्वाइस है, ठीक है। तो हम यहां से क्या करेंगे, होमान एग्जिस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन कराएंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे क्या चाहिए, CH3I इन एक्सेस चाहिए, ठीक है। देन यहां से सेकंड स्टेप पे AZOH चाहिए। थर्ड स्टेप पे क्या करना है, हीटिंग रिएक्शन करनी है। जब हम पूरा का पूरा प्रोसेस अप्लाई करेंगे देन यहां से क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे NME3 पॉजिटिव आएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, I नेगेटिव है वो OH से रिप्लेस होगा। देन थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये वाला जाएगा ग्रुप एंड यहाँ से ये बीटा हाइड्रोजन, दिस वन इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस वन इज बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होगा एंड यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यानी कि साइक्लोहेप्टाडाईन की फॉर्मेशन है वो यहाँ से फाइनली हो जाती है। चीज समझ आ रही है ना कि किस टाइप से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती जा रही है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, होफमैन एग्जिस्टिव मिथाइलेशन किया है। होफमैन एग्जिस्टिव मिथाइलेशन का जो प्रोडक्ट है यहाँ से वो क्या होता है, आपका प्रोडक्ट है वो होता है यहाँ से साइक्लोहेप्टाडाईन होता है, साइक्लोहेप्टाडाईन। नाउ ये जो साइक्लोहेप्टाडाईन बना है इसका हमें क्या करना है, इसका हम करा देते हैं ब्रोमिनेशन। बट ब्रोमिनेशन है वो विद स्पेसिफिक कंडीशन कराना होता है, यानी कि 1,4 एडिशन रिएक्शन है वो करानी है। 1,4 एडिशन, देखिए 1,2,3,4 वन एंड फोर पोजिशन पे क्या जाएंगे, ब्रोमीन जाएंगे। सो दैट एक जो बॉन्ड है वो कहां पे प्लेस होगा, यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे Br2 किसमें ब्रेक होगा, Br पॉजिटिव Br नेगेटिव, ठीक है। Br नेगेटिव कहां पे जाएगा, इस वाले पॉजिटिव पोजिशन पे, ये कहां पे जाएगा, नेगेटिव पोजिशन पे, यानी कि यहां से कुछ इस टाइप का कंपाउंड है वो बन जाता है। 1,4 एडिशन कराना है, रिमेंबर 1,4 एडिशन, नॉट 1,2 एडिशन, क्योंकि 1,2 एडिशन है वो हम ऑलरेडी करा के आए हैं, ठीक है। तो 1,4 एडिशन का प्रोडक्ट है, एक ब्रोमीन तो आएगा यहाँ पे एंड जो सेकंड ब्रोमीन है वो आएगा यहाँ पे एंड बीच में कौन आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, डाय ब्रोमो साइक्लोहेप्टाडाईन की फॉर्मेशन हो जाती है। आपको रिंग में कार्बन है वो 7 ही रखने हैं, 7 कार्बन रखते हुए चलना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमें सिंपल सा इस वाले कंपाउंड को हीट करना होता है विद क्विनोलिन। क्विनोलिन के साथ में हीट करेंगे एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। क्विनोलिन के साथ में हीट करेंगे एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहां से देखिए क्या होगा, जो डी ब्रोमिनेशन रिएक्शन है वो होगी। डी ब्रोमिनेशन रिएक्शन में यहां से ब्रोमीन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन, यहां से ब्रोमीन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन एंड साइक्लोहेप्टाट्राईन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से कौन सी रिएक्शन लग रही है, डी ब्रोमिनेशन रिएक्शन लग रही है एंड वो टाइप से बनेगा एक HBr। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप का प्रोडक्ट है वो यहां से फॉर्म होने वाला है। ये तो बन गई आपकी 7 मेंबर रिंग। 7 मेंबर रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, यहाँ से जाएगा ब्रोमीन, यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ से जाएगा ब्रोमीन, यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया। और ये क्या बनता है, साइक्लोहेप्टाट्राईन की फॉर्मेशन हो जाती है। ना ये जो साइक्लोहेप्टाट्राईन बना है इसका हमें क्या करना होता है, इसकी रिएक्शन है वो हमें करानी होती है विद HBr। HBr H पॉजिटिव, HBr है वो H पॉजिटिव लिखने की नीड नहीं है बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर। ये क्या करेगा, सबसे पहले H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। H पॉजिटिव जो प्रोड्यूस करेगा ये कहां पे जाएंगे, कोई भी एक डबल बॉन्ड पे जाके H पॉजिटिव का एडिशन होगा, कैसे होगा। फॉर एग्जांपल हम यहां से मान लेते हैं कि ये इस वाले डबल बॉन्ड पे गया, ठीक है, इस वाले डबल बॉन्ड पे गया H पॉजिटिव।
जैसे ही सारे डबल बॉन्ड पे जाता है एच पॉजिटिव, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी, नेगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पे कौन चला जाएगा, एच पॉजिटिव जाके जुड़ जाएगा। एंड यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, फॉर्मेशन होगी यहाँ पे साइक्लोहेप्टा सॉरी ट्रोपाइडियम कटायन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से देखिए कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ से फॉर्म होता है इस वाली रिएक्शन का। ब्रोमीन है वो ऐड हो जाता है ऑन द रिंग एंड यहाँ से ये आ जाते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कराना है, अगेन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विद HNME2। तो माइनस क्या होगा, HBr होगा, माइनस HBr होने के बाद NME2 है ये कहाँ पे ऐड होगा, ऑन द रिंग ऐड होगा। ठीक है, जैसे ही रिंग पे ऐड हो जाता है रिएक्शन कौन सी हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुई है। जैसे ही रिंग पे ऐड होता है डबल बॉन्ड से वो तो अभी भी आ जाती है इस पोजीशन पे रहेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करना होता है रिडक्शन। रिडक्शन अब हम कैसे करेंगे, सोडियम यूजिंग C2H5OH। तो रिडक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या होगा, देखिए दोनों जो पोजिशन है इनमें से 1-4 पोजिशन उनका रिडक्शन होगा एंड 1-2 पे कौन आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। रिडक्शन जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी फर्स्ट वीडियो ऑफ रिडक्शन, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं, ये वाली मैकेनिज्म समझ आ जाएगी। ठीक है, अब सारी की सारी मैकेनिज्म वो अगेन हर एक वीडियो में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वरना तो फिर वीडियो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। यहाँ से देखिए रिडक्शन का प्रोडक्ट बन गया। रिडक्शन का प्रोडक्ट बनने के बाद सेकंड है वो हमें क्या कराना होता है, एडिशन ऑफ Br2 कराना होता है यूजिंग HBr। अब क्या होगा, Br2 में अगेन 1-2 ब्रोमो एडिशन हो जाएगा। ठीक है, 1-2 ब्रोमो एडिशन हो जाएगा। अब इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होता है, तो नेक्स्ट स्टेप है देखिए यहाँ तक का क्लियर होता है सभी को, इतने में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। और हीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से अब नाइट्रोजन के लॉन्च पैड के पास में दो पॉसिबिलिटीज होती है, आइदर इट विल रिएक्ट, आइदर इट विल अटैक हियर और इट विल अटैक हियर। ठीक है, बिकॉज SN2 रिएक्शन होगी, बैक साइड से अटैक होगा, Br है वो यहाँ से एलिमिनेट करेगा। अब यदि ये यहाँ पे अटैक करता है तो क्या बनता है, और यहाँ पे अटैक करता है तो क्या बनता है, दोनों चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यदि ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करता है इस वाली पोजीशन पे, तो 1-2-3-4-5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होती है। इफ द लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम अटैक ऑन दिस साइड, तो 1-2-3-4-5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन यहाँ से भी होती है, दोनों साइड से 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सिमेट्री का मॉलिक्यूल अपना तो कहीं भी एक जगह पे अटैक करा लेंगे, तो चलिए हमने यहाँ पे अटैक करा दिया। ठीक है, इस वाली पोजीशन पे अटैक करा देते हैं। जैसे ही इस वाली पोजीशन पे अटैक होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो आप कहीं भी अटैक करा सकते हैं, इस वाली पोजीशन पे जैसे ही अटैक होगा तो यहाँ से माइनस क्या होना है, Br निगेटिव है, उसने माइनस होना है। एंड Br निगेटिव के माइनस होने के बाद यहाँ से क्या बनता है वो वाली चीज मैं आपको बताती हूँ। नाइट्रोजन का लॉन पेयर यदि अंदर की साइड आ रहा है तो नाइट्रोजन भी तो अंदर की साइड आएगा ना, ये तो है नहीं कि लॉन पेयर तो अंदर आ गया नाइट्रोजन बाहर ही बैठा रह गया, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता ना। तो लॉन पेयर के साथ में नाइट्रोजन है वो भी इन साइड पे आता है एंड यहाँ पे क्या बनेगा एन, इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाती हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा एन एंड एम के साथ में कौन है 2ME है एंड इसके बाद कौन है यहाँ पे ये बॉन्ड बना लिया, ये क्या बना ब्रोमीन आ गया। ये समझ आ रही, यहाँ पे कौन आ गया ब्रोमीन आ गया। अब देखिए एटम्स काउंट कर लेते हैं, 1-1-2-3-4-5 मेंबर रिंग बन गए, साथ में कौन है Br नेगेटिव जो कि यहाँ से निकला था काउंटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है ना अभी भी, ये अभी भी यहाँ पे काउंटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो नेक्स्ट स्टेप की यदि हम बात करें तो हम क्या करेंगे, अगेन एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन है वो हमें कैसे करना है, देखिए Br नेगेटिव अभी भी काउंटर आयन की फॉर्म में यहाँ पे रहेगा। अब हम इसकी रिएक्शन है वो किसके साथ में करा देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी, यहाँ से ये जाएगा हाइड्रोजन, ये जाएगा ब्रोमीन, माइनस क्या होगा H2O होगा, माइनस क्या होगा KBr होगा। ठीक है, ब्रोमीन कौन सा जा रहा है, जो रिंग के ऊपर था वही वाला ब्रोमीन बाहर जा रहा है। एंड ऐसा करने के बाद जो प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म होता है वो समथिंग लाइक दैट होता है, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म होता है। देखिए बहुत ही अच्छे से समझना है बिकॉज मैं बहुत छोटे छोटे लिख रही हूँ, पीछे जाके कैमरा सेट कर दूंगी यदि नहीं दिख रहा है तो। यहाँ पे कौन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, थोड़ा सा तो बड़ा बनाना ही पड़ेगा अदरवाइज तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। एक बार इतना स्क्रीन शॉट ले लो, देन मैं ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, वरना नहीं दिखेगा नीचे का, परेशान होगी बेकार में पढ़ाया हुआ, बेकार ही जाना है। ठीक है, तो एक बार इतना स्क्रीन शॉट लो, देन मैं ऊपर फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया, इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप हम वो करते हैं, यहाँ का मैं नहीं मिटा रही, इसे हम ऊपर से, इस बार रिएक्शन को हम ऊपर की तरफ प्रोसीड कराएंगे, पहले हमने इधर कराया था, इस बार हम उल्टा लेके चलेंगे रिएक्शन को। ठीक है, हमेशा इधर से रिएक्शन देखते हैं, कंफ्यूज हो जाओगी, इधर से लिखना स्टार्ट कर देती हूँ बता दे लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लिख दिया। ओके, देन देखिए यहाँ से फाइनली
हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। ये क्या होता है, एन एमी टू पॉजिटिव होता है, पहुंच गए यहां तक। अब यहां पे कौन है, ब्रोमीन है, ठीक है, और साथ में कौन है, बी आर निगेटिव है। इतना होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या कराना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करानी है, जो कि यहां से कौन सी होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, माइनस होगा एस टू एंड माइनस होगा के बी आर, एंड वॉट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो एच बी आर, इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं। बाकी हाइड्रोजन किसके साथ में जाएगा, ओ एच निगेटिव के साथ में जाएगा, एंड बी आर किसके साथ में जाएगा, के पॉजिटिव के साथ में, और यहां से प्रोडक्ट है वो कुछ बनेगा इस टाइप का, एन एम ई टू पॉजिटिव, दिस विल ऑन दिस साइड, ठीक है, ब्रोमीन नेगेटिव है वो अभी भी है, ब्रोमीन नेगेटिव है वो तो अभी भी प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे विद के आई, के आई के साथ में रिएक्शन कराएंगे, के आई के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, चीज समझ आ रही है, ब्रोमीन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन में कन्वर्ट होगा, अंदर का जो भी कुछ है वो एज इट इज ही रहना है, एन एम ई टू पॉजिटिव ही रहना है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आई निगेटिव में कन्वर्ट होगा। अब इसकी रिएक्शन अगेन हम किसके साथ में कराएंगे, विद AgCl, AgCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो यहां से AgI सिल्वर आयोडाइड है वो तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर लेगा, एंड साथ में क्या बन जाएगा, यहां से Cl नेगेटिव है वो बन जाएगा, ठीक है, चीज समझ आ रही है। इस बार यहां से क्या बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड तो मैंने लगाया नहीं, ऐसे ही निकाल दिया ब्रोमीन को, ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा यहां पे। अब क्या बन रहा है, देखिए स्टेप्स को बहुत ही केयरफुली करना है, वैसे कहीं को छूट जाता है तो खुद से भी थोड़ा ध्यान कर लिया करो प्लीज, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज छूट जाता है यार, हो जाती है गलती, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, नीचे वाले को मिटा दूं क्योंकि ये तो ऊपर लिख चुके हैं फिर से। अब इसे मिटाने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड आएगा फिर से, डबल बॉन्ड क्यों भूलती हूँ मैं बार बार, देख लेती हूँ हर जगह सही बनाइए ना, एच बी आर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया यहां तक का। अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, इसे हीट करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे, और हीट करेंगे तो ये बहुत देर से नाइट्रोजन है ये पॉजिटिव चार्ज को झेल रहा है और ये बिल्कुल इरिटेट हो चुका है, सो ये बाहर फेंकेगा एमए पॉजिटिव, और एमए पॉजिटिव को कैच करने के लिए कौन बैठा है, सीएल नेगेटिव बैठा है तैयार, बोल रहा आ जा भाई साथ में चलेंगे दोनों, तो माइनस क्या होता है, यहाँ से CH3Cl मिथाइल क्लोराइड माइनस होता है, चीज समझ आ गई, तो यहाँ से माइनस क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड माइनस होगा, एंड आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ MeCl प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड एन एम ई एन, ये बन गया। यहां तक किसी को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जब यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें अगेन क्या कराना है, एच बी आर के साथ में रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड, ठीक है, एच बी आर के साथ में रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड, तो अगेन क्या होगा, एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन वो कहां पे होगी, डबल बॉन्ड पे होगी, तो डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप का होगा, रिंग्स वो मेरे को थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी, बिकॉज छोटी में फिर आपको समझ नहीं आना, एन एम ई है वो तो एज इट इज रहेगा, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से जा चुका है, ये समझ आ रही है, एक ही मिथाइल ग्रुप बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन आ गया, ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे H2SO4 के साथ में हीट करते हैं, इसे H2SO4 के साथ में हीट करते हैं एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब हम इसे हीट करेंगे तो ये Br है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये जो Br है ये कन्वर्ट किसमें होगा, OH में कन्वर्ट होगा, एंड प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप का फॉर्म होने वाला है, बहुत ही ध्यान से समझिए, वी आर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे कौन आ गया, OH आ गया, एंड इस OH को हम ऐसे नहीं लिख सकते, इस OH को हम लिखेंगे ऐसे, हाइड्रोजन को हम लिखेंगे नीचे, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है ये यहाँ से डिफाइन करनी है, एंड दिस इज द साइट्रोपीन, हम बात किसकी कर रहे हैं, अबाउट ट्रोपीन, और हमने बना क्या लिया, साइट्रोपीन बना लिया, चीज समझ आ गई, हमने क्या बना लिया, साइट्रोपीन बना लिया। अब साइट्रोपीन का हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, ट्रोपोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, ट्रोपेनॉन में कन्वर्ट होगा, तो साइट्रोपीन है इसका जब हम कराते हैं ऑक्सीडेशन तो ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म करता है, यहां से ये हो गया ये हो गया ये, देन यहां से क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, एंड एन एम ई, ये क्या बन गया, ट्रोपेनॉन बन गया, एंड ट्रोपेनॉन का जब हम कराएंगे रिडक्शन, ट्रोपेनॉन का जब हम कराएंगे रिडक्शन, देन इट विल कन्वर्ट इनटू ट्रोपीन, नॉट साइट्रोपीन, इस बार क्या बनेगा, ट्रोपीन बनेगा, एंड ट्रोपीन है वो कैसे होगा वो चीज मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज इस बार हमें हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ पे लगाना है, डाउन साइड पे लगाना है,
और यही स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो मैं नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ। सो इस टाइप से हमने कुछ फॉर्मेशन करनी होती है ट्रोपीन की। चीज समझ आ गई। साइट्रोपीन में जो हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ पे होता है? अप साइड पे होता है। ट्रोपिन में हाइड्रोक्सिल होता है वो कहाँ पे होता है? डाउन साइड पे होता है। तो ये था सिंथेसिस ऑफ ट्रोपिन। सिंथेसिस ऑफ ट्रोपिन में आपको इतना सा करना होता है, एक बार फिर से रिचेक कर लेते हैं कि क्या सारे स्टेप सही हैं। स्टार्टिंग में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन कराई, देन हमने यहाँ से आयनी काउंटर है, काउंटर आयन उसे चेंज किया है, के आई से आयोडीन में बनाया, देन एजी आई एलिमिनेशन करके एजी सी एल बनाया है, देन यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन की है, वार्मिंग रिएक्शन की है, सो दैट यहाँ से मिथाइल ग्रुप जाता है, मिथाइल ग्रुप जाने के बाद ऐसा कुछ बनता है। फिर हमने यहाँ से ब्रोमिनेशन कराया है, देन हमने यहाँ से H2SO4 के साथ में कीटोन, एंड देन फाइनली ट्रोपिन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ट्रोपिन की फॉर्मेशन होने के बाद एक हमने बना लिया साइट्रोपिन, दूसरा हमने बना लिया ट्रोपिन। दोनों स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। साइट्रोपिन में हाइड्रोक्सिल इज ऑन अपसाइड एंड इन द ट्रोपिन हाइड्रोक्सिल इज ऑन डाउन साइड। दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री वो भी मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। अब हमने ट्रोपिन बना लिया, फाइनली ट्रोपिन तक हम पहुंच गए, ट्रोपिन बन गया और प्लस माइनस ट्रॉपिक एसिड है वो तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन रिएक्शन कराएंगे। दोनों का एडिशन किसमें होता है? HCl की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, ये यहाँ से एट्रोपीन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ एट्रोपीन करना है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करती हूँ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एट्रोपीन। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ एट्रोपीन करना है। अभी तक तो हम ट्रोपीन, ट्रोपिक एसिड इन्हीं सब पे फंसे हुए थे ना, फाइनली हमें यहाँ से एट्रोपीन है वो मिलने वाला है, और वो हम कैसे बनाएंगे, यूजिंग ट्रोपीन एज वेल एज प्लस माइनस ट्रोपिक एसिड, जो कि हम दो वीडियो से सिंथेसिस कर रहे हैं उनका, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या करना है, यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ एट्रोपीन। अब फॉर्मेशन ऑफ एट्रोपीन की यदि हम बात करें तो वो कैसे करना है। अभी हमने क्या बनाया है, ट्रोपीन बनाया है। ट्रोपीन चलिए मैं आपको बना के फिर से बता देती हूँ ट्रोपीन का क्या है, तो हम बहुत बार बना चुके हैं, मतलब इतनी बार स्ट्रक्चर लिखने के बाद तो याद हो ही जाती है कि क्या होती है ट्रोपीन की स्ट्रक्चर। मतलब बेनिफिट यही है कि हम एक ही स्ट्रक्चर को बार बार लिख रहे हैं, तो ये यहाँ से क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल आ गया। अब इसके साथ में क्या लेना है, प्लस माइनस ट्रोपिक एसिड लेना है, जिसकी स्ट्रक्चर आप भूल चुके हैं, तो देखो आपको भूलना नहीं है, फिर से याद कीजिए स्ट्रक्चर। तो ये होती है आपकी किसकी स्ट्रक्चर, ट्रॉपिक एसिड की स्ट्रक्चर। यहाँ पे कौन होता है, सी एच होता है, इधर कौन होता है, सी एस टू ओ एच होता है, एंड यहाँ पे बैठे होते हैं सी डबल ओ ओ एच ग्रुप। माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ से होता है एच टू ओ का मॉलिक्यूल माइनस होता है, एंड एच टू ओ का मॉलिक्यूल माइनस होने के बाद यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, फॉर्मेशन होती है यहाँ से एसिड, सॉरी एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ये वाली रिएक्शन है, ये हमने पहले भी कराई थी, बट हमने स्ट्रक्चर्स नहीं लिखी थी, हमने क्या लिखा था वहां पे, ओनली ट्रोपीन प्लस प्लस माइनस ट्रोपिक एसिड लिखा था, जिससे कि हमने रीजनरेट किया था, किसको रीजनरेट, किसको किया था, एट्रोपीन को किया था। और जब हम एट्रोपीन का बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो अगेन यही वाले कंपाउंड्स ही हमें ऑब्टेन हो जाते हैं, यानी कि जब हम HCl के साथ में हीट करेंगे तब तो यहाँ से क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जो कि हम अभी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है ये, यहाँ से हमें ऑब्टेन हो जाता है, ये आ गया NME, ठीक है। देन यहाँ से रिंग है वो एज इट इज है, रिंग पे कौन है, ऑक्सीजन आइटम है, ऑक्सीजन आइटम पे कौन है, सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में कौन है, CH2OH है, एंड CH2OH के साथ में कौन है, इधर बेंजीन रिंग है। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एट्रोपीन। फाइनली हम एट्रोपीन तक पहुंच गए, ठीक है, चीज समझ आ गई। फाइनली हम कहां तक पहुंच गए, एट्रोपीन तक पहुंच गए, जो कि एक एस्टर होता है, जो हमने स्टार्टिंग में प्रूव किया था दैट इट इज एन एस्टर, नॉट एन एमाइड डेरिवेटिव, इट इज एन एस्टर डेरिवेटिव। यहां तक का क्लियर है। अब इसका, इस वाले कंपाउंड का अगेन हम यदि बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो क्या बनेगा, यही वाला कंपाउंड फिर से बन जाएंगे, ये दोनों कंपाउंड्स फिर से बन जाएंगे, चीज समझ आती है। तो हमने क्या कर लिया, प्रिपरेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ एट्रोपीन है वो यहाँ से कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है वो हमें क्या देखना, अबाउट द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपीन, ठीक है। ट्रोपीन्स हैं उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखने की, बिकॉज ट्रोपीन के हमने दो डेरिवेटिव्स बनाए हैं, ठीक है, दो आइसोमर्स बनाए हैं, साइट्रोपीन एज वेल एज ट्रोपीन। तो देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट है वो बात करते हैं अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपीन। ये तो बहुत प्रिपरेशन है, ये तो बहुत ईजी था, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपीन। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपीन की यदि हम बात करें तो हमने यहाँ पे दो आइसोमर्स की फॉर्मेशन की है। दो आइसोमर्स हम वो कौन से होते हैं, एक तो साइट्रोपीन होता है और दूसरा क्या होता है,
ट्रोपिन होता है। तो देखिए मैं यहां से आपको बना के बताती हूँ कि कैसे साइट्रोपिन होता है एंड कैसे आपका ट्रोपिन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बनाया कुछ इस टाइप से, ये वाली स्ट्रक्चर बनाई एंड यहां से हमने कंसिडर किया है एन एम ई, ठीक है, क्लियर है। यहां से हमने क्या लिया, एन एम ई लिया। अब इस वाली पोजिशन पे यानी कि एक्सियल पे कौन होगा, सॉरी अप साइड पे कौन होगा, हाइड्रोक्सिल होगा एंड डाउन साइड पे कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। एक्सियल पे कौन होगा, हाइड्रोक्सिल होगा एंड इक्वेटोरियल पे कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। यदि हम यहां से नंबरिंग करते हैं देन ये कौन सा होगा कार्बन नंबर, ये कौन सा होगा नंबर वन होगा, ये टू होगा, थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन कार्बन तक हम पहुंच गए। अब देखिए नेक्स्ट है, ब्रिज हेड से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ये क्या बना अपना, कौन सा होता है साइट्रोपिन कौन सा होगा, ट्रोपिन कौन सा होगा, बता देती हूँ आपको। यहाँ से दूसरी स्ट्रक्चर है वो भी हम कुछ इसी टाइप के ड्रॉ करते हैं। दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस कहाँ पे होगा वो चीज भी मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे डिफरेंस है वो आ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सिल ऊपर की साइड बनाया था, इस बार हम सी थ्री पे हाइड्रोक्सिल को कहाँ पे बना देते हैं, डाउन साइड पे बना देते हैं एंड नाइट्रोजन है वो तो अभी भी यही का यही रहेगा, एन एम ई, ठीक है, एन एम ई रहेगा। अब देखिए कार्बन नंबर सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं कार्बन नंबर थ्री पे, कार्बन नंबर थ्री पे स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ है, एक्सियल पोजिशन पे, ठीक है, ओ एच एट एक्सियल, और यहां कहाँ है, ओ एच एट इक्विटोरियल, ओ एच एट इक्विटोरियल। तो जिसमें ओ एच इक्विटोरियल पे होता है वो कौन सा होता है, ट्रोपिन होता है, ठीक है। जिसमें ओ एच इक्विटोरियल पे होता है वो कौन सा होता है, ट्रोपिन होता है, क्यों होता है वो चीज भी बताती हूँ। और जिसमें ओ एच एक्सियल पे होता है वो कौन सा होता है, साइट्रोपिन होता है, और ये क्यों होता है ये चीज भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया, बोट कन्फर्मेशन बनाए, ठीक है, बोट कन्फर्मेशन ऑफ ट्रोपिन एंड साइट्रोपिन, ठीक है, ये क्या है, बोट कन्फर्मेशन। अब कुछ स्टूडेंट्स को तो इनमें चेयर कन्फर्मेशन दिख रहे होंगे, तो वो बोट कन्फर्मेशन ही है, ये चीज भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्यों है बोट कन्फर्मेशन। बोट कन्फर्मेशन ये इसलिए है क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, इन वाले ब्रिजेस की बात कर रहे हैं। यहां से ये वाला ब्रिज देखिए, यहां से ये वाला ब्रिज अप साइड पे है, यहां से ये वाला ब्रिज अप साइड पे है। जब दोनों ब्रिज ऊपर की साइड है तो ये क्या होगा, बोट कन्फर्मेशन ही होगा। यदि हम बात कर रहे होते हैं साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन का हम कुछ इसी टाइप से देखते हैं बोट कन्फर्मेशन, दिख रहा है इसी के जैसा, ठीक है। यहां से ये वाला ब्रिज ऊपर की साइड है और ये वाला ब्रिज भी ऊपर की साइड है, तो ये कौन सा होगा, बोट कन्फर्मेशन होगा, ठीक है। कहीं ये नीचे की तरफ टांग देख के इसे चेयर कन्फर्मेशन मत समझ लेना, ये कौन सा होता है, बोट कन्फर्मेशन होता है, ठीक समझ आ गई। तो ये क्या है, बोट कन्फर्मेशन ऑफ साइट्रोपिन एज वेल एज ट्रोपिन है। अब यहां से हम कैसे मान लें कि कौन से स्ट्रक्चर किसकी है, तो यहां से जब हम कराते हैं एसाइलेशन रिएक्शन, जब हम यहां से एन एसाइलेटेड डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, एन एसाइलेटेड डेरिवेटिव लेते हैं साइट्रोपिन का, तो वो क्या करता है, वहां से नाइट्रोजन से जो एसाइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाता है। मैं रिएक्शन आपको करके बताती हूँ कि किस टाइप से होता है, नाइट्रोजन से जो एसाइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ट्रोपिन में ऐसा नहीं होता, ट्रोपिन में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोक्सिल वो कौन सी पोजिशन पे होते हैं, एंटी पोजिशन पे होते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कौन सी पोजिशन पे होते हैं, सिम पोजिशन पे होते हैं, ठीक है। तो साइट्रोपिन की यदि हम बात करें तो यहाँ क्या होगा, इन द साइट्रोपिन, इन द साइट्रोपिन, चलिए मैं पहले पूरा एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, देन आपको रिएक्शन करके बताती हूँ। इन द साइट्रोपिन, इन द एन एसाइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ साइट्रोपिन, ये लिखते हैं, इन द एन एसाइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ साइट्रोपिन, साइट्रोपिन एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप इज माइग्रेट्स, इज माइग्रेट्स टुवार्ड्स, इज माइग्रेट्स नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, इज माइग्रेट्स नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, बट इन द केस ऑफ ट्रोपिन, इन द केस ऑफ ट्रोपिन दिस इज नॉट हैपन्स, दिस इज नॉट हैपन्स। और क्यों नहीं होता, रीजन क्या होता है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन नीचे की साइड पे है ना, तो कैसे होगा यहां से माइग्रेशन, नहीं पॉसिबल होगा, बट यहां पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों सेम साइड पे, तो यहां से माइग्रेशन हो जाता है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट सी थ्री, एट सी थ्री एंड नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन ब्रिज आर सीन इन साइट्रोपिन, इन साइट्रोपिन वेयर एज दीज आर एंटी, दीज आर एंटी इन ट्रोपिन,
ठीक है, ट्रोपिन में क्या होते हैं, एंटी होते हैं, साइट्रोपिन में क्या होते हैं, सिन होते हैं, इसीलिए ये वाली रिएक्शन भी कुछ इस टाइप से होती है। मैं आपको रिएक्शन करके बताती हूँ, एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिपरेशन ऑफ एट्रोपिन का ले लो, देन यहाँ से दोनों आइसोमर्स अबाउट कंफर्मेशन उनका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं यहाँ से आपको रिएक्शन करके बताती हूँ कि क्यों ये वाली रिएक्शन होती है और क्यों ये वाली रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, और इसका चेयर कन्फर्मेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, स्क्रीनशॉट लो। हो गया, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या करना है, नीचे वाले को मैं अभी नहीं मिटाऊंगी क्योंकि इन्हीं वाले स्ट्रक्चर्स का हमें यूज करना है, ठीक है, इन्हीं वाले स्ट्रक्चर्स का हमें फर्दर यूज करना है। अब देखिए हमें क्या बनाना है, पहले साइट्रोपिन बनाना है, साइट्रोपिन की यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऑलरेडी बनी हुई है, सिंपल सा बस फटाफट ड्रॉ कर देती हूँ इसे, ठीक है, ये क्या बन गया, साइट्रोपिन बन गया, इसमें हाइड्रोक्सिल है वो यहाँ पे है एंड हाइड्रोजन है वो यहाँ पे है, यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन है, एंड नाइट्रोजन पे हमने क्या जोड़ा है, सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप जोड़ा है, बिकॉज हमें क्या लेना है, एन असाइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ साइट्रोपिन लेना है, ठीक है, क्या है, एन असाइल डेरिवेटिव ऑफ साइट्रोपिन हमने लिया है, ऑफ साइट्रोपिन। अब हमें क्या करना है, एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक, क्लियर, जैसे यहाँ पे अटैक करेगा ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से कुछ इस टाइप का कंपाउंड वो फॉर्म हो जाता है, देखिए बहुत ही ध्यान से रिएक्शन है वो आपको समझनी होती है, यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ किसका माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ असाइल एट माइग्रेशन ऑफ असाइल फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन हो रहा है, देन यहाँ से क्या हुआ, नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन पे क्या है, सी, ये वाला सी है, इस वाले सी के साथ में कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इस वाले सी के साथ में कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, देखिए बताती हूँ आपको किस टाइप से रिएक्शन है वो हो रही है, ऑक्सीजन है ये जुड़ गया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, चीज समझ आ रही है, देन यहाँ से क्या है, ओ, और इस वाले ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, और एक जो आर ग्रुप है वो तो अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, चीज समझ आ रही है, यहाँ से जो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था वो निकल चुका है, देन फिर से क्या आ गया, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, जैसे ही यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप वो देखिए किस टाइप से होगा, यहाँ से अभी हमने क्या जोड़ा था, एन सी डबल बॉन्ड ओ आर था, अब क्या होगा, यहाँ से देखिए ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का, क्योंकि हमने एच पॉजिटिव यूज किया था, एच पॉजिटिव तो हमें वापस एलिमिनेट करना होगा, एच पॉजिटिव एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ये आएगा यहाँ पे, जैसे ही सी डबल बॉन्ड ओ की फॉर्मेशन होती है तो नाइट्रोजन पे कौन आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सॉरी नाइट्रोजन पे आएगा ये वाला बॉन्ड आएगा नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज पे अगेन कौन चला जाता है, एच पॉजिटिव चला जाता है। अब देखिए यहाँ से कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है एट द फाइनल प्रोडक्ट, कि ये तो कौन होगा, ओ, एंड ओ के साथ में कौन है, सी डबल बॉन्ड ओ आर है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब देखिए फाइनली मैं आपको बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट बताती हूँ यहाँ से कैसे क्या हुआ है, यहाँ पे सी ओ आर था, इतना ग्रुप है, इसका माइग्रेशन हमने नाइट्रोजन से किस पे करा दिया, ऑक्सीजन पे करा दिया, और ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम पोजीशन पे प्रेजेंट थे, एंड सेम पोजीशन पे प्रेजेंट थे सो दैट ये वाली रिएक्शन हो गई, सबसे पहले ऑक्सीजन के लॉन पेयर ने यहाँ पे अटैक किया, जैसे ही ऑक्सीजन के लॉन पेयर ने यहाँ पे अटैक किया ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स गए यहाँ से निकला एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव वो कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ठीक है, चला गया। अब एच पॉजिटिव के यहाँ जाने के बाद फिर से क्या होगा, एच पॉजिटिव वापस निकलेगा, एच पॉजिटिव निकल के कहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा, एंड ये जो असाइल ग्रुप है ये किसकी तरफ चला जाता है, ये चला जाता है यहाँ से ऑक्सीजन की तरफ हो जाता है, ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ असाइल ग्रुप, सीओ आर ग्रुप का ही माइग्रेशन हुआ है, माइग्रेशन ऑफ सीओ आर फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन एटम, फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन एटम, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आर एट सेम पोजिशन। बट यदि हम बात करें यहाँ पे तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा, ट्रोपिन में तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो दोनों एंटी पोजिशन पे प्रेजेंट है, ये दोनों एंटी पोजिशन पे प्रेजेंट है, तो ट्रोपिन ये वाली रिएक्शन नहीं देता जो कि ये साइट्रोपिन देता है, सो यहाँ से कंफर्म होता है दैट दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द ट्रोपिन मस्ट बी प्रेजेंट एट एंटी इन कंपेयर टू मस्ट बी प्रेजेंट एट एंटी पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन एटम, ठीक है, नाइट्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एंटी पोजिशन पे होगा, इसीलिए ये वाली रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता, चीज क्लियर है यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं हम अबाउट बॉन्ड कंफर्मेशन, ये हमने क्या, सॉरी ये हमने लिया था बॉन्ड कंफर्मेशन, अब हम बात करते हैं अबाउट चेयर कंफर्मेशन,
एक बार मैं नहीं मिटाती हूँ, यही बेसिक है, आगे ड्रॉ करती हूँ। तो चेयर कंफर्मेशन है वो हमें किस टाइप से बनाना है, देखिए अगेन हमें इसी टाइप का प्रूफ है वो लेना है। देन यहाँ से ये वाला नाइट्रोजन ब्रिज है ये तो ऊपर की साइड ही रहेगा, एम ई है वो एज इट इज रहेगा। इस बार हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल को कर रहे हैं, सॉरी इस वाले कार्बन ब्रिज को हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। हाइड्रोक्सिल ऊपर की साइड रहेगा, हाइड्रोजन नीचे की साइड रहेगा। हाइड्रोक्सिल ऊपर की साइड, हाइड्रोजन नीचे की साइड, कौन सा है, साइट्रोपिन है। ठीक है, ये कौन सा है, साइट्रोपिन है। अगेन हमें दूसरा भी कन्फर्मर बनाना है। दूसरा कन्फर्मर जब हम बनाते हैं तो यहाँ से अगेन कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है वो बननी है। कभी कभी ना बहुत गंदी गंदी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, बहुत एफर्ट लगाने की बात है, और कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बनती हैं बहुत कम मेहनत की बात है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ पे आएगा, डाउन साइड पे, और ये हाइड्रोजन कहाँ पे चला गया, अप साइड पे। मिथाइल ग्रुप है वो तो अभी भी एज इट इज ही रहना है। ये क्या है, चेयर कन्फर्मेशन, और ये किसका है, प्रोपीन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल वो कहाँ है, डाउन साइड है। हाइड्रोक्सिल एजाइड डाउन साइड, हाइड्रोक्सिल एजाइड अप साइड, अप साइड साइट्रोपिन, डाउन साइड प्रोपीन। एंड ये क्या है, चेयर कन्फर्मेशन। अब ये चेयर कैसे है समझ आ रहा है, ऑप्शन आ ही रहा होगा। इस वाली पीछे वाली पूंछ को भूल जाओ, ठीक है, इस वाली पूंछ को भूल जाओ। अब इसके बाद तो चेयर कन्फर्मेशन आई थिंक समझ आ रहा है। इस वाली पूंछ को हटा देते हो तो ये क्या हो गया, ये बैक, बैक सपोर्ट हो गया। उसके बाद ये सीट, सीट करने का, और ये जहाँ पे हम फिट्स रखते हैं वो वाला हो गया, बन गया चेयर कन्फर्मेशन। ये वाला बोट कन्फर्मेशन, ये वाला चेयर कन्फर्मेशन। देन यहाँ से क्या बोला गया, दैट चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन दोनों यहाँ से इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। फाइनली बोल दिया कि चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन है दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए फाइनली हमें क्या कराना है, दोनों को इक्विलिब्रियम में दिखा देना है। किस टाइप से दिखाएंगे, अब ट्रोपिन और साइट्रोपिन का हमें कंफर्म करना था जो कि हम कर चुके हैं। अब हम फाइनली क्या दिखा देंगे, दैट चेयर कंफर्मेशन एंड बोट कंफर्मेशन बोथ आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। और कैसे दिखाना है, हमें ट्रोपिन का बनाना है, इस बार साइट्रोपिन नहीं लेना, हमें ओनली किसका ड्रॉ करना है, ट्रोपिन का ड्रॉ करना है। तो ट्रोपिन का यदि हम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। एक बार के लिए हम क्या बना देते हैं यहाँ से, चलिए कहाँ बनाना है, ये बना देते हैं। हाइड्रोक्सिल कहाँ पे आएगा, डाउन साइड पे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रोपिन देन एंड एम ई, दिस इज बॉट कन्फर्मेशन। ठीक है, ये कौन सा होता है, बॉट कन्फर्मेशन होता है। इसके बाद इक्विलिब्रियम पे कौन सा बनाना है, चेयर कन्फर्मेशन बनाना है। चेयर कन्फर्मेशन में भी हाइड्रोक्सिल डाउन साइड, हाइड्रोजन अप साइड, एंड जो नाइट्रोजन वाला ब्रिज है वो तो अप साइड पे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, चेयर कन्फर्मेशन, बॉट कन्फर्मेशन एज वेल एज चेयर कन्फर्मेशन दोनों किसमें प्रेजेंट होते हैं, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एट्रोपिन, एंड विद द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन इज कंप्लीटेड। ठीक है, एट्रोपिन है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है विद द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ट्रोपिन, नॉट एट्रोपिन, ट्रोपिन की स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ में एल्केलॉइड है, एल्केलॉइड ट्रोपिन है वो आपका खत्म होता है, एंड एक और एल्केलॉइड बचता है जो कि होता है मॉर्फिन, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मोर देन इनफ सिलेबस अब आपका हो गया है, यदि मॉर्फिन छोड़ भी देते हो तो आपका काम चल जाता है, जिसके कि 4 वीडियोस होने वाली हैं जो कि मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, आज मुझे याद आ गया, वरना मुझे याद नहीं आता, ठीक है। पता नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन मेरे दिमाग से कैसे डिलीट हो रखा, सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं हर वीडियो में, मुझे कभी याद ही नहीं आता कि बोलना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलती, बट देखिए यदि मैं बात करूं फाइनली कि व्यूज़ हैं वो कितने आ रहे हैं वीडियोस पे, तो एक वीडियोस पे मतलब यदि एवरेज लगा के चलूं तो 100-150 व्यूज़ हैं वो आते रहते हैं, यानी कि 100-150 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल रहा है, मेरी मेहनत बराबर लग रही। तो यदि आप इन वीडियोज़ को और ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने जो भी अदर यदि आप शेयर करेंगे कहीं भी, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करेंगे, वो कहीं और शेयर करेंगे, तो जो और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। मेरी मेहनत बराबर लग रही है, स्टूडेंट्स को बेनिफिट है वो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए, बिकॉज एग्जाम इज नियर, ठीक है, एग्जाम बहुत पास में है तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करो, लाइक करते हो आप पे डिपेंड करता है, पसंद आता है वीडियो लाइक करो, वरना मैं कभी नहीं बोलूँगी कि लाइक करो, ठीक है। यदि आपको पसंद आता है, यदि आपको यहाँ से लगता है कि हाँ लाइक करना चाहिए तो करो, अदरवाइज द नॉट अ बिग डील, ठीक है, मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइक्स के लिए, सब्सक्राइब्स के लिए, नंबर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ मैंने बहुत बार बोली, बट शेयर करो, क्योंकि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक भी वीडियोस हैं वो पहुँचनी चाहिए, उन्हें भी बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। ये मेरा यहाँ से यही एक मेन मोटिव है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके वो मिलना चाहिए। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।